नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो अगर आज आपने मार्केट का हाल देखा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि मार्केट आज खासा रिकवरी कर चुका है। आप देखेंगे प्राइस चेंजेस बहुत अच्छे हुए हैं। बिटकॉइन जो है 6% से ऊपर है पिछले 24 घंटों में, इथीरियम 11%, रिपल 21%, स्टेलर ऑलमोस्ट 20% से, आयोटा 21% से। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा नज़ारा दिखा हमारे मार्केट में। पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रहा था कि मार्केट जो है थोड़ा सा उठता था, फिर नीचे गिरता था, प्राइसेस जो है ज़्यादा परसेंटेज पॉइंट से बढ़ते नहीं थे, एक आध कॉइन का प्राइस जो है बढ़ता था फिर उसके बाद वो गिर जाता था। लेकिन अभी मुझे 1-2 दिनों से ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक मीनिंगफुल प्राइस इन्फ्यूजन हुआ है, प्राइसेस जो है स्टेडली बढ़ रहे हैं और ये अच्छी बात है। बिटकॉइन अगर आपने ध्यान दिया होगा, 1-2 दिन के अंदर ही उसका प्राइस ऑलमोस्ट $1,600 से जंप कर चुका है और अच्छी बात है। ये 2018 का सबसे बड़ा जंप है बिटकॉइन का। तो हो सकता है ये एक बुल रन की शुरुआत हो। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक बुल ट्रैप भी हो सकता है। बुल ट्रैप अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली एक फॉल्स सिग्नल होता है जो इन्वेस्टर्स को बताता है कि मार्केट अब से ऊपर उठने वाला है, लेकिन सच्चाई यही होती है कि मार्केट अभी भी नीचे जाने वाला है। तो क्या ये बुल ट्रैप है या बुल रन है वो तो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो है साइंस अच्छे हैं। तो अगर आप प्राइसेस की ओर देखें, अभी भी मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर है। अभी आप टोटल मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 326 बिलियन के आसपास अभी मार्केट है, आप उसका चल रहा है मार्केट का। तो पिछले हफ्ते तो $250 बिलियन से भी कम हो गया था और अभी जो है खासा रिकवरी किया है मार्केट ने। बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी काफी है, 42% जो है मार्केट में बिटकॉइन का डोमिनेंस है। तो अगर हम इंडिविजुअल कॉइन्स की तरफ जाएं तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज तो अभी भी है दोस्तों। देखिए अभी हमने जनवरी का जो प्राइसेस देखे थे उससे तो अभी भी कॉइन्स जो है बहुत ही कम चल रहे हैं। बिटकॉइन आपने कितना हाई देखा था जनवरी में, 16,000-17,000 तक जाके आ चुका था बिटकॉइन। इथीरियम जो है ऑलमोस्ट $1,000 को टच कर चुका था। ईओएस ऊपर थे, सारे कॉइन्स जो थे ऊपर ही थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो है आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज जरूर हैं। तो आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे इस प्राइसेस में कौन से कॉइन्स अच्छे लग रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। स्टेलर मुझे लगता है अभी भी ठीक ठाक प्राइस पे है। कार्डानो 20 सेंट के आसपास मुझे अभी भी सही लग रहा है। नियो तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है उसका, तो $66 अभी भी जो है इतना बुरा प्राइस नहीं होना चाहिए। आयोटा अभी भी $2 से कम है तो अच्छा प्राइस है मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खुली रखें कि आपको बॉइंग अपॉर्चुनिटी जो है अभी भी ऐसे मार्केट में भी मिलेंगे, ऐसे मार्केट में भी आप शायद प्रॉफिट कमा सकते हैं। डेफिनेटली मैं पक्के से नहीं कह सकते कि ये कॉइन्स अभी शॉर्ट टर्म में आगे जाएंगे कि नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो है इन कॉइन्स का अच्छा है। तो आप में से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं आप कोई एक्शन मत लें अभी, क्योंकि अभी जो है मार्केट का किस डायरेक्शन में जाने वाला मार्केट वो हमें पता नहीं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के स्ट्रेटजी से सोच रहे हैं तो अभी भी इनमें से कुछ कॉइन्स में एंटर किया जा सकता है। तो और हम कॉइन्स की ओर अगर देखें तो आप देखेंगे मोनेरो भी ठीक ठाक प्राइस पे अवेलेबल है और अच्छे अच्छे कॉइन्स आपके पास अभी भी जो है जो आपको चीपली आपको मिल जाएंगे। ईओएस में अभी मैं वो सजेस्ट करूंगा कि अभी नहीं इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी जो है एयर ड्रॉप की वजह से जो है प्राइसेस उसके बढ़े हुए हैं। तो नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है हिस्टोरिकली कि एयर ड्रॉप जब होता है कोई भी तब कॉइन का प्राइस बढ़ता है। इवन फोर्क के पहले भी ऐसा होता है कि कॉइन प्राइस जो है बढ़ता है और उसके बाद सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो मैं ईओएस का डेफिनेटली फोर्क तक उसके एयर ड्रॉप तक रुकूंगा मैं 15 अप्रैल के बाद। देखते हैं ईओएस में क्या एक्शन है और फिर शायद मैं और थोड़े ईओएस खरीदूंगा। तो ऐसा हुआ क्यों है, क्यों मार्केट में सडनली एक एक्साइटमेंट आया है, क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वापस रिकवर कर रहा है? तो उसके मुझे ऐसा लगता है कि दो कारण है। सबसे पहले तो ये कि यूएस का जो है टैक्स सीजन खत्म हो गया है। तो आपको पता है ये टैक्स सीजन जब खत्म होता है लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, टैक्स पे कर देते हैं, उसके बाद जो उनके पास फिर से पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो हो सकता है अभी जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं यूएस के, मैं छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जो $1,000 के आसपास खेलते हैं, मैं ये बात कर रहा हूं $1,000,000 में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। तो हो सकता है उन्होंने अभी अपना पैसा डाला हो, टैक्स सीजन खत्म हो गया है तो हो सकता है अब उन्होंने अपना पैसा इन्फ्यूज किया हो। और दूसरी बात ये चल रही है कि अभी बड़े बड़े लोगों ने ऐसा कहा है कि वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज सोरोस की, जो एक यूएस के एक बहुत बड़े बिलियनर हैं और उन्होंने ऐसा कहा है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। उन्होंने ये कहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि डिजिटल कॉइन्स कैन नॉट फंक्शन एज एक्चुअल करेंसीज बिकॉज ऑफ देयर वॉलेटिलिटी। तो उन्होंने ऐसा पहले जो है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बबल कह रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं कि वो अब इसमें एंटर करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जब बिलियनर इन्वेस्टर्स को घुसते हैं तो मुझे तो ये नहीं पता कि वो ऑलरेडी पैसा डाल चुके हैं कि नहीं क्रिप्टो करेंसीज में, लेकिन इससे जो है मार्केट में सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव होता है और हो सकता है शायद उनका पैसा आ भी गया हो मार्केट में, उस वजह से भी हो सकता है मार्केट ने ऊपर छलांग लगाई हो। दूसरी एक और बढ़िया बात यह है कि एक और बड़े इन्वेस्टर और जो एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है जो रॉकफेलर्स, जो यूएस का एक बड़ा बिजनेस फैमिली ग्रुप है, कैपिटल फर्म और ओन्ड बाय अमेरिकन फैमिली रॉकफेलर्स हैव टेकन टू क्रिप्टो, ऐसा कह रहे हैं उस आर्टिकल में। तो रॉकफेलर का $3 बिलियन का फर्म है और वो भी ऐसा कह रहे हैं कि वो भी जो है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर्स जब क्रिप्टो करेंसीज में आएंगे तो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका जरूर पड़ेगा।
तो ये दो रीजन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने जो है अभी रिकवरी किया है। क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है वो डेफिनेटली आगे जाके हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है साइंस अच्छे हैं। तो ये देखिए कॉइन डेस्क का आर्टिकल आया था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा है कि वर्च, ईओस और ओएनटी ये तीन क्रिप्टो करेंसीज ऐसे हैं जो मार्केट रिकवरी को लीड कर रहे हैं। तो तीनों कॉइन्स ने अच्छे प्राइस मूवमेंट्स देखे हैं अगर आप देखेंगे तो। और वर्ज का देखिए आप देख सकते हैं वीकली परफॉर्मेंस, वीकली उसका परफॉर्मेंस 58.36% से ऊपर है वर्ज। सो अगर आपने वीक के पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आप ऑलमोस्ट 5 सेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे वर्ज पे, और अभी जो उसका प्राइस 9 सेंट्स के आसपास चल रहा है। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी था वर्ज में। ईओस तो मैंने आपको बताया ही था, एयर ड्रॉप की वजह से काफ़ी उसमें अच्छा एक इंटरेस्ट आया इन्वेस्टर्स का, और क्लोजिंग प्राइस जो था उसका April 6 को वो था $5.89, अभी जो है $9.17 चल रहा है। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी थी आपके पास ईओस को भी पिकअप करने की। और तीसरा जो टोकन है वो है ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी जो नियो के ब्लॉकचेन में बना, और एयर ड्रॉप हुआ था बहुत सारे नियो के इन्वेस्टर्स को। और ऑन्टोलॉजी जो है आप $3 पे आप खरीद सकते थे April 6 को, अभी ज़्यादा ऊपर नहीं उठा है लेकिन $4.68 चल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर थी आपके पास कुछ प्रॉफिट्स कमाने की। तो ये तीन कॉइन्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के इस बुल रन को जो है लीड कर रहे हैं, बुल रन नहीं बोलूंगा, बेसिकली एक पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। आगे जाके क्या होगा वो तो हमें पता नहीं है। एक वॉल स्ट्रीट स्ट्रेटेजिस्ट है जो ऐसा कह रहे हैं कि बिटकॉइन प्राइस जो है $25,000 तक इस साल पहुंच जाएगा, तो वो तो डेफिनेटली हो सकता है। $20,000 के आसपास तो था ही बिटकॉइन, और वो ऐसा कह रहे हैं कि अगले 8 महीनों में जो है बिटकॉइन जो है $25,000 तक भी पहुंच सकता है। तो आई होप ऐसा हो जाए। डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो मार्केट में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है क्रिप्टो करेंसीज में वो डेफिनेटली ग्रीन में वापस आ जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है मार्केट के बारे में मुझे आप प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेटेड रहता हूं कि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, द क्रिप्टो दोस्त मेरा ट्विटर हैंडल, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करें। और अगर आपके पास कोई डिटेल्ड क्वेरी है तो मुझे आप द क्रिप्टो दोस्त @gmail.com पर भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।